जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगलवार के दिन कर लीजिएगा दो लौंग का। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति बजरंग बली जी की मिलेगी, ऐसी कृपा जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों के भर जाएगा आपका घर। मंगलवार के दिन लौंग का प्रयोग जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकाल सकता है। कई बार जीवन हमसे अग्नि परीक्षाएं लेता है, इतने कष्ट देता है कि हम टूट जाते हैं। क्या टूट जाना सही है या फिर उनसे बाहर निकलने के लिए कोई उपाय करना जरूरी है, इस वीडियो में हम आपको लौंग से किए जाने वाले उपाय बताने जा रहे हैं। विशेष रूप से इसका प्रयोग मंगलवार को किया जाना चाहिए। दोस्तों, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, उसी प्रकार से मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में मंगलवार के दिन को एक चमत्कारी दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ मिलेगा। क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, और इस दिन खास तौर से आप हनुमान जी की सबसे प्रिय चीज लौंग का उपाय करेंगे तो उस उपाय का आपको पलट करके लाभ अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि लौंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, इसकी वजह बताई जाती है कि लौंग का आकार बिल्कुल हनुमान जी के शस्त्र गदा की तरह होती है, इसीलिए हनुमान जी को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, लौंग का उपाय आज से ही नहीं हजारों साल से चला हुआ आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हनुमान जी महाराज हो गए, माता दुर्गा जी हो गई, भगवान विष्णु जी हो गए, माता लक्ष्मी जी हो गई, उनकी पूजा में अगर लौंग का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। खास तौर से अगर हनुमान जी की पूजा में आप कोई भी लौंग का उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लौंग में कई दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसीलिए आपने देखा भी होगा कई तांत्रिक जो होते हैं वह लौंग की माला भी पहनते हैं। और अगर आप सिर्फ आज इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और लौंग के उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट और परेशानियों से तो मुक्ति मिल जाएगी और आप ही के नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक दिन के उपाय के बाद एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन उपायों को सही मुहूर्त पर करने के बाद आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति के जीवन में उसको सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी जरूर डाल दीजिएगा। आपकी परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप करके लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है और आप यह देख रहे कि आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है, लेकिन आप वही के वही बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है? सिर्फ मंगलवार को एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो भी आपकी नौकरी लग जाएगी, हम यह कह रहे हैं अगर आप मेहनत कर रहे थे, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था तो जरूर आपकी नौकरी लग जाएगी। किसी भी मंगलवार के दिन आपको चार लौंग लेना है और एक नींबू लेना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद हनुमान जी के प्रतिमा के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। अब यह जो आप नींबू लेकर के आए हैं इसको दो भाग में काट लीजिए, आधे नींबू को कहीं पर बहा दीजिए और आधे नींबू में चार लौंग आपको डाल देना है।
इस नींबू को अपने हाथ में पकड़िए और हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार कीजिए, क्योंकि हनुमान जी को 108 की संख्या बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है, ओम हनुमते नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नमः। अब इसी आधे नींबू में, जिसमें अपने चार लौंग गाड़ी है, इसको किसी लाल कपड़े में लपेट लीजिए, मौली धागे से बांध लीजिए और अपने पास बैग में रख लीजिए। जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएगा, इस नींबू को अपने साथ जरूर रखिएगा। अगर आप इतना करेंगे तो इस नींबू में जो लौंग होगी वह आपके हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, और अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाएगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 111 में लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? तो इसकी वजह यह हो सकती है कि आपके घर पर किसी ने काला जादू बंधन काली विद्या करवा रखा है, जिसकी वजह से आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है, और जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है उस घर की कभी भी बरकत नहीं होती है। उस घर के लोग हमेशा अपने जीवन में असफलताओं को देखते हैं। तो यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपको प्रत्येक मंगलवार के सूर्यास्त के बाद करना है। प्रत्येक मंगलवार के सूर्यास्त को आपको घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक सरसों के तेल का दीपक जला देना है। अब आपको हर दीपक में एक एक लौंग डालने से पहले जय बजरंग बली बोलना होगा। यही उपाय आपको प्रत्येक मंगलवार को करना है। इतना अगर आप करेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी, आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो यह उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके जीवन में आपको उसका परिणाम नहीं मिलता है। आप धन संबंधित कोई भी निर्णय लेते हैं, उस निर्णय से आपको घाटा पहुंचता है, आपका व्यापार चौपट होता हुआ चला जा रहा है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह हो सकती है कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है, और जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति को उसके जीवन में धन संबंधित परेशानी और आर्थिक दिक्कतों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए सिर्फ एक छोटे से उपाय को 5 मंगलवार लगातार कर लेंगे तो आपके मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाएगी और आप जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 5 मंगलवार का मतलब है 5 मंगलवार तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला। आपको सिर्फ यही करना है कि पहले मंगलवार को सुबह उठना है, एक चमेली के तेल का दीपक लेना है और 2 लौंग लेना है, और किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है, 2 लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद आपको 2 लौंग को जलते दीपक में डाल देना है। यही उपाय आपको 5 मंगलवार करना है, और 5 मंगलवार के बाद आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है जिसका आप लोग इलाज करा करा के थक चुके हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो बस एक छोटा सा उपाय लगातार 3 मंगलवार कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर किसी दोष की वजह से, किसी नजर की वजह से बीमार पड़ा हुआ है तो हनुमान जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात्काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको सिर्फ यही करना है, पहले मंगलवार को आपको 2 लौंग लेना है, उस बीमार व्यक्ति के पास जाना है और उसके सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं ओर इस 2 लौंग को घुमाना है और इसी लौंग को घर के बाहर फेंक देना है। यही उपाय आपको लगातार 3 मंगलवार तक करना होगा, और इतना उपाय करने भर से जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा उसके सेहत में सुधार आने लग जाएगा, वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोष होगा,
काला जादू होगा या कोई भी परेशानी होगी, वह अपने आप खत्म होती हुई चली जाएगी। तो आप इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना।